गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसी नंदुराज के साथ। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर को जो है कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली पूरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने आपको बताया। आज मेरा हेडिंग जो होगा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, हमने जो अब तक जो सीखा कि यदि कोई चार्ज है, जैसे मान लो कोई एक पॉइंट चार्ज है, दिखाना तो मेरे को ऐसे चाहिए होता है लेकिन बड़ा दिखा देते हैं जैसे तुमको प्रॉपर दिख सके दूर से भी। सपोज करो कि मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू मैग्नीट्यूड का। हमने देखा कि इस चार्ज के इर्द गिर्द आजू बाजू एक रीजन जो क्रिएट हुआ है, ठीक है, उस रीजन को हमने कैरेक्टराइज किया इलेक्ट्रिक फील्ड से। एक्चुअली है क्या कि किसी चार्ज के इर्द गिर्द अगल बगल जो रीजन क्रिएट होता है उसको कैरेक्टराइज करते हैं दो टर्म से। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, इसको दो टर्म से कैरेक्टराइज करते हैं। इसमें एक वेक्टर टर्म का यूज करते हैं और इसमें एक जो है स्केलर टर्म का यूज करते हैं। जो वेक्टर टर्म को यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और इस रीजन को कैरेक्टराइज करना है तो एक स्केलर टर्म का भी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको डिनोट करेंगे हम भी से। मतलब बहुत स्पष्ट है जी कि किसी चार्ज की इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो रीजन है, जो स्पेस है, उसको दो टर्म का यूज करके उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें हम एक वेक्टर टर्म का यूज करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, और एक स्केलर टर्म का भी यूज करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। इसका मतलब कह लो कि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। आगे चलकर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है हम इस पर भी बात करने वाले हैं। क्लियर? अब तक क्या समझ में आ रहा है कि चार्ज के अगल बगल का जो रीजन है उसको स्टडी करने के लिए हम एक वेक्टर टर्म का भी यूज करते हैं, एक स्केलर टर्म का भी यूज करते हैं। जो वेक्टर टर्म का यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, और जो स्केलर टर्म का यूज करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। यानी द स्पेस अराउंड द चार्ज इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू टर्म्स, वन ऑफ देम इज वेक्टर टर्म व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वन ऑफ देम इज स्केलर टर्म व्हिच इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम लोग बच्चों लोग हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? चलिए जरा अब इसे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग पढ़ चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपल इसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। भी से इसको सिंबलाइज करते हैं। ये देखिए, जैसे मान लो कि कोई एक हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, सपोज करो क्यू मैग्नीट्यूड का। क्लियर? अब बहुत स्पष्ट है कि इस चार्ज के अगल बगल, इस चार्ज के चारों ओर एक रीजन तो क्रिएट हो गया है, और उस रीजन को हम लोग ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है? तो इनफाइनाइट तक है। अब इनफाइनाइट का क्या मतलब निकलता है, समझो हम क्या बोलते हैं, इस चार्ज के अगल बगल एक रीजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इस रीजन में अगर हम कोई दूसरा भी चार्ज लाएंगे, अनदर चार्ज, हालांकि ठीक है उसे हम लोग टेस्ट चार्ज कह देते थे, तो उस टेस्ट चार्ज पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स रियलाइज होने लगेगा। ये हमारा सोर्स चार्ज है। कहाँ तक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स रियलाइज होगा? तो हम कहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस का क्या मतलब निकलता है? हम कहते हैं कि भाई जैसे मान लो कोई एक टेस्ट चार्ज है, ये देखो, ये मान लो कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि ये टेस्ट चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि वो टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक है,
जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फोर्स रियलाइज ना कर पाए, उस डिस्टेंस को ही हम लोग यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि कोई एक सोर्स चार्ज है, एक गिवन चार्ज है, और इससे सर्टेन डिस्टेंस पे, सपोज करो कि आर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है पी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है, चलो इसको पी ना बोल के हम अभी फिलहाल इसको हम ए कह देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो तुमको याद आ रहा हो 1/4 πε0 q/r2। यह सिंपल, इसी को हम लोग k³/r² कहते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हमें समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इस चीज को समझना है। बेसिक बात को समझो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड अगर जानना चाहते डायरेक्शन तक, हाँ अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता। खैर वो एक अलग मैटर है। चलिए एक सोर्स चार्ज है, सर्टेन डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है, ठीक है। हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, पहले समझो तो सही यार कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। सोचो, केयर करो, ध्यान देना, एक टेस्ट चार्ज हमारे पास है, उस सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट के डिस्टेंस पे है, क्लियर है। तो जब इनफाइनाइट के डिस्टेंस पे है तो फिलहाल इस पर अभी कोई फोर्स रियलाइज नहीं हो रहा होगा। बहुत स्पष्ट है, जब कोई फोर्स ही रियलाइज नहीं हो रहा है तो कोई वर्क भी नहीं हुआ। वर्क fs cos θ, तो वर्क भी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। मान लो कोई एक टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और अभी इसको हम जस्ट ऐसे पकड़े हुए हैं, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, और अभी हमने मूव भी नहीं कराया है, तो वर्क डन 0, फोर्स क्योंकि 0 था। अब हम इसको लेकर टेस्ट चार्ज को चलना है और बहुत स्लोली 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 इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप में, आप समझ लो इस टेस्ट चार्ज को बहुत स्लोली स्लोली इनफाइनाइट से लेकर चलिए और पॉइंट ए पर रख दीजिए, क्लियर। लेकर चले, मान लो अब हम इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुके हैं, ये हमारा टेस्ट चार्ज यहाँ आ चुका है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है। तो स्वाभाविक है हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज तो हमने बताया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये टेस्ट चार्ज सपोज करो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, मतलब 1 कूलम्ब का कथा तो यही कहता है कि टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, 1 कूलम्ब का होना चाहिए। लेकिन 1 कूलम्ब चार्ज लेने से कुछ प्रॉब्लम भी होने लगते हैं, बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले कथा क्या कहता है पहले उसको देखेंगे हम लोग। तो एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख लिया 1 कूलम्ब का, हो तो ज़्यादा अच्छा है, 1 कूलम्ब ही कथा कहता है, और इस 1 कूलम्ब टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर चले बहुत स्लोली 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 स्लोली, इतने स्लोली कि इस पर एक्सिलरेशन नहीं मिलना चाहिए, यानी ए जो हमारा टेस्ट चार्ज है एक्सिलरेट नहीं होना चाहिए। एक्सिलरेट नहीं होना चाहिए मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये सोर्स चार्ज बहुत स्पष्ट है रिपल्सिव फोर्स देगा, एफ इलेक्ट्रिकल 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 फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स देगा, ठीक है। हमें पता है क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब तुम बोलोगे कंजर्वेटिव फोर्स वाला मामला बीच में कहाँ से आ गया, याद करो 11th क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि फोर्स के 2 टाइप हो सकते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है जी, कि दैट फोर्स बाई विच वर्क डन ऑन द बॉडी इन राउंड ट्रिप
इज जीरो इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। राउंड ट्रिप में जिस फोर्स के कारण किसी बॉडी पर किया गया वर्क डन यदि राउंड ट्रिप में जीरो है तो ऐसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अगर तुमको याद आ रहा हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस दोनों कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। यह कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि दैट फोर्स बाय विच वर्क डन ऑन द बॉडी जस्ट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट नॉट अपॉन द पथ इज कॉल्ड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक ऐसा फोर्स जिसके कारण वर्क डन जो है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करे, पथ पर ना डिपेंड करता हो, ऐसे फोर्स को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तुमको ध्यान रखना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, एक कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा, इन फोर्स के द्वारा राउंड ट्रिप में वर्क डन, मतलब आप ए से किसी बॉडी को आप ए से बी पर ले गए, पुनः बी से ए पर ले गए, तो टोटल आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो होगा, सिर्फ सिर्फ और केवल सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ही जो है राउंड ट्रिप का वर्क डन जीरो होता है। जैसे तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन तुम फ्रिक्शनल फोर्स में अगर राउंड ट्रिप का वर्क डन निकालोगे तो तुमने देखा होगा कि वर्क डन जीरो नहीं आता है। 11th का कॉन्सेप्ट तो यही बताता है। तो हम कह रहे हैं कि इस सोर्स चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और चूंकि हम इसको लेकर चल रहे हैं तो मेरे द्वारा भी इस टेस्ट चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, यानी ये है हमारा एफ एक्सटर्नल, इधर की ओर लग रहा है, क्लियर है। इनके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स राइट की ओर, और चूंकि हम इस टेस्ट चार्ज को लेकर स्लोली पढ़ रहे हैं तो हम इस पर फोर्स कितना लगा रहे हैं उसको हमने बताया एफ एक्सटर्नल। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि जितना मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फोर्स इधर मिल रहा है हम उतनी ही न्यूटन से इसको धीमे धीमे ले जा रहे हैं। अब जैसे अगर टेस्ट चार्ज अगर यहाँ आ जाता तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता, तो हमने भी एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू बढ़ा दी, उतनी ही बढ़ाई, न तो कम न तो ज़्यादा, जिससे बॉडी एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए। मतलब नेट फोर्स कितना मिलना चाहिए इस पर, जीरो। बहुत स्पष्ट है जी, एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिकल ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है, यानी हर पॉइंट पर, जर्नी के हर पॉइंट पर टोटल वर्कडन कितना होगा, जीरो होगा। और जब टोटल वर्कडन जीरो है, समझ में आ रही बात हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी इस इंस्टेंट पे जब मान लो टेस्ट चार्ज हमारा यहाँ पर है तो टोटल फोर्स कितना होगा, तो हम कहेंगे दोनों को जोड़ोगे तो फिर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है, तो यानी हर इंस्टेंट पर नेट फोर्स कितना है, जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो होगा तो एम ए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो स्वाभाविक है कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो हम इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से चलकर ए पर ले जाना है, तो हम कह रहे हैं कि हम लेकर चल रहे हैं लेकिन इस प्रकार के लेकर चल रहे हैं कि हमारा टेस्ट चार्ज एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, बहुत स्लोली लेकर चल रहे हैं, और हम एफ एक्सटर्नल उतनी ही लगा रहे हैं जितना से उधर हमें जो है इलेक्ट्रिक फोर्स मिल रहा है। थोड़ा आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू बढ़ा, तो हमने भी एफ एक्सटर्नल थोड़ी सी बढ़ा दी, उतनी ही बढ़ाई। थोड़ा और आगे एक की ओर मूव किए, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ा इधर, हमने भी एफ एक्सटर्नल उतनी ही बढ़ाई। तो समझ में आ रही है ना कि हमें बिल्कुल स्लोली चलनी है जिससे कि हमारा टेस्ट चार्ज एक्सेलरेट नहीं हो सके। एनीवे, हम इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर चले और हम पॉइंट ए पर ले जाकर रख दिए इसको, यहाँ से चले लेकर और यहाँ पर टेस्ट चार्ज को हमने ला के रख दिए। एक टेस्ट चार्ज मेरा यहाँ आ गया। तो हमने वर्क किया, चूँकि टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेकर ए पर पहुँचा रहे हैं तो मेरे द्वारा वर्क डन हुआ। इसका मतलब है कि हमने एनर्जी खर्च की, क्योंकि बिना एनर्जी खर्च किए तो वर्क होगा नहीं। यार एक एग्जाम्पल के तौर पे
एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम तुमको समझाएं क्या कि इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से चलकर ए तक ले जाने में, एक एग्जाम्पल सपोज करो कि 20 जूल वर्क हुआ, एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमने 20 जूल एनर्जी खर्च किया। एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहता है, तो एनर्जी गया कहाँ? तो हमने बोला कि इस सिस्टम ने उस एनर्जी को स्टोर कर लिया, और स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। और उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपल उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं। यानी बहुत स्पष्ट है कि पॉइंट ए के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है 20 जूल मेरे एग्जांपल के आधार पे। अब उसी प्रकार से यदि कोई एक व्यक्ति इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ अगर मान लो मूव कर देता पॉइंट बी पर, तो इस बार तो वर्क उसने ज़्यादा करा है, ज़्यादा एनर्जी खर्च हुआ है, ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर जो है स्टोर हुआ है। सपोज करो कि इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक मूव करने में 25 जूल वर्क हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 25 जूल हमने एनर्जी खर्च करी, 25 जूल इस सिस्टम ने जो है अपने पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर करा हुआ है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है जी कि पॉइंट ए पर एनर्जी एसोसिएटेड है मेरा 20 जूल, जबकि पॉइंट बी पर मेरा एनर्जी एसोसिएटेड है 25 जूल। यहाँ कुछ और होता है, टेस्ट चार्ज को अगर पॉइंट सी पर मूव कराते तो यहाँ पर एनर्जी 30 जूल, यहाँ पर 35 जूल। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर एक एनर्जी एसोसिएटेड है, और उसी एसोसिएटेड एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपल उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसे जैसे हम टेस्ट चार्ज को कभी यहाँ ला के रखे, 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 तो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर जो एनर्जी है वो अलग अलग है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो अलग अलग है। अब तो समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल अगर हम कहें तो क्या कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब? तो हमने बोला कि एक कूलॉम का चार्ज लीजिए, उसको इनफाइनाइट पे रख दीजिए, और इसको स्लोली स्लोली मूव कराइए, और जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रख दीजिए, ठीक है। जो वर्क हुआ इस यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से चलकर उस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ पॉइंट ए तक ले जाने में 20 जूल, तो हमने कहा कि हाँ भाई पॉइंट ए पर पोटेंशियल का मान है 20 जूल पर कूलॉम, या इसी को 20 वोल्ट भी कह देते हैं। उसी प्रकार से इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से चलकर बी तक ले जाने में वर्क हुआ 25 जूल। इसका मतलब है कि पॉइंट बी पर पोटेंशियल भी होगा 25 जूल पर कूलॉम, हर एक कूलॉम चार्ज के द्वारा वर्क हो रहा है 25 जूल। हालांकि इसे जूल पर कूलॉम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, इसी को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 25 वोल्ट। मतलब बहुत स्पष्ट है, किसी पॉइंट पर तुम्हें पोटेंशियल चाहिए तो एक टेस्ट चार्ज लाइए, एक टेस्ट चार्ज 1 कूलॉम का होना चाहिए। अरे भाई इसको टेस्ट चार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारा टेस्ट हम इसी चार्ज को यूज करके कर रहे हैं। हमारे टेस्टिंग को सफल बनाने वाला हमारा टेस्ट क्या है? हमारा टेस्ट आज इस बात को पता करना है कि पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, तो ये चार्ज क्या रहेगा हम बता देंगे। तो हमने बोला ठीक है, आपको हम टेस्ट चार्ज कह देंगे अगर ऐसा आप कर लेते हो तो, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यदि तुमको किसी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल चाहिए तो एक कूलॉम का टेस्ट चार्ज लाओ और उसको इनफाइनाइट पर रख लो। अब इनफाइनाइट पर रखने का मतलब क्या कि पहले इस टेस्ट चार्ज को वहां रखो जहां इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो, वही इनफाइनाइट डिस्टेंस से, और इस इन टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर चलो और जिस पॉइंट पर तुमको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पर ले जाकर रख दो। जो वर्क हुआ
उस पॉइंट पर पोटेंशियल भी वही होगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो, जैसा अच्छा लगे बोलो। तो यदि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यदि डिफाइन करनी हो तो क्या, तो डिफाइन करें क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रकार का एनर्जी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग, लेकिन विदाउट एक्सीलरेशन, ब्रैकेट में करते हैं इसको, विदाउट एक्सीलरेशन, मतलब विदाउट एक्सीलरेशन कहने का मतलब क्या है कि टेस्ट चार्ज को बहुत स्लोली आपको लाना है, जितना फोर्स का डिमांड इधर है, जैसे जैसे तुम इसको टेस्ट चार्ज को इधर की ओर लाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, तो तुमको एक्सटर्नल फोर्स उतनी ही बढ़ाना है जैसे कि हर पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो रहे। इसका मतलब है कि हमारा टेस्ट चार्ज एक्सलरेट नहीं हो पाए, इसलिए टेस्ट चार्ज को बहुत स्लोली हम लोग लाते हैं विदाउट एक्सीलरेशन। क्या लिखे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स राइट की ओर और हम मूव करा रहे हैं इधर की ओर। समझ में आ रही है बात ना? तो हमने यहाँ जो मेन बात है समझ लो कि यूनिट चार्ज कहाँ गया, वर्क डन बाय द पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एक बात है। कथा यही कहता है कि आपको एक कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर मूव कराना है जो वर्क हुआ। समझ जाओ कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू वही है, यानी जो एग्जांपल हमने लिया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ एक टेस्ट चार्ज था 1 कूलम का, इन्फिनिटी से लेकर चले पॉइंट ए पर मूव कराया, तो उस वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अगर 20 जूल है तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल भी 20 जूल पर कूलम 20 वोल्ट होगा। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है डियर कि एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। ऐसे अगर हम 1 कूलम चार्ज लेंगे, कथा यही कहता है कि चार्ज 1 कूलम का होना चाहिए, लेकिन अगर ये 1 कूलम का होगा तो इस चार्ज का भी तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और जब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये चार्ज उस पर रिपल्सन एट्रैक्शन फोर्स देने लगेगा। ठीक है, ये चार्ज भी उस पर एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स देने लगेगा। तो मालूम चला कि इनके बीच का जो पोजिशन है, कन्फिग्रेशन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होने लगेगा, जो कि हम चाहते नहीं है। बहुत अजीब दुविधा है। कथा कहता है कि टेस्ट चार्ज 1 कूलम का होना चाहिए, लेकिन नुकसान क्या है कि अगर 1 कूलम का लेंगे तो इनके बीच का कन्फिग्रेशन चेंज होने लगता है, ये या तो रिपेल होने लगेगा चाहे अट्रैक्ट होने लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो कि हम चाहते नहीं। तो हमने सोचा कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है यार। ऐसा नहीं है कि तुमको कोई टेस्ट चार्ज वाकई में वहाँ से लेकर चलना है, मूव कराना है, वगैरह कुछ नहीं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की जो कहानी है टेबल और चेयर पर बैठ कर तैयार की गई है। तो हम बचे कैसे? तो हमने मन में ही एजम्पशन करा कि हम टेस्ट चार्ज को 1 कूलम नहीं लेंगे, बहुत छोटा चार्ज लेंगे। टेस्ट चार्ज
बहुत छोटा मैग्नीट्यूड, बहुत छोटा स्मॉल 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 और स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल मैग्नीट्यूड वाला हम लेंगे। यानी क्यू नॉट क्या होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करा हुआ है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ठीक है, टेस्ट चार्ज हमारा बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का है, तब हम कहेंगे कि ठीक है, जब मैग्नीट्यूड बहुत कम था यानी क्यू नॉट था तो वर्क हुआ, वर्क हुआ कितना, W, क्लियर। तो जब ये वन कूलम का होता लिया नहीं है, जब ये टेस्ट चार्ज मेरा बहुत कम था, एकदम छोटकू चार्ज था, तो माना वर्क हुआ W, तो हमने कहा अगर वन कूलम होता तो वर्क कितना होता, तब हम कहते हैं कि W बाई क्यू नॉट होता। इसका मतलब W बाई क्यू नॉट क्या है, हमने वन कूलम को मूव कराया ही नहीं, हमने बहुत छोटकू चार्ज को मूव कराया है, और उसके आधार पे हमने बोल दिया कि छोटकू चार्ज के लिए वर्क कितना है, तो वन कूलम का होता तो वर्क कितना होता। यानी कि W बाई क्यू नॉट क्या है, वर्क डन बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट यूनिट। तो जैसे ही क्यू नॉट का टर्म डेनोमिनेटर में आ गया तो वर्क डन एक कूलम के आधार पर आ गया। इसीलिए मैथमेटिकली हम कहें क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होगा, अगर जैसे मान लो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए होगा, तो एक टेस्ट चार्ज को लाइए, तो बहुत स्पष्ट छोटकू टेस्ट चार्ज होना चाहिए, उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से चलकर ए तक मूव कराइए, और हमारा टेस्ट चार्ज कितने कूलॉम का है उसको डिवाइड कर दीजिए। तो जो मामला था कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है, पोजीशन चेंज हो जा रहा है, उससे भी बच गए, हिसाब भी आ गया कि वन कूलॉम के द्वारा वर्क कितना होगा। तथा यही कहता है कि वन कूलॉम के द्वारा कितना वर्क हुआ है उस पॉइंट तक मूव कराने, वही वर्क जो है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताएगा, ठीक है। तो इसे हम एक फॉर्मूला के रूप में देखें कि VA क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो एक वन कूलॉम का चार्ज लीजिए, कथा यही कहता है। इसका मतलब हमने वन कूलॉम का लिया नहीं है, अब तुम समझो कि तुम कितना भी कूलॉम का ले लो, क्योंकि हाइपोथेटिकल सी बात है, तो कोई भी कूलॉम का चार्ज ले लो जी, कथा कहता है वन कूलॉम, हम वन कूलॉम से ज़्यादा भी ले सकते हैं, वन कूलॉम से कम भी ले सकते हैं, हमें तो यहाँ पर बैठ कर टेबल चेयर पर हिसाब लगानी है कि इस चार्ज के लिए वर्क कितना है, तो एक कूलॉम के लिए कितना है। तो बहुत सिंपल है, अब किसी पॉइंट पर तुमको पोटेंशियल निकालना है तो कोई भी कूलॉम का चार्ज ले लो, पहले उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख लो, मतलब कि पहले इस टेस्ट चार्ज को वहाँ रखो जहाँ पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव ना हो। कहाँ होता है प्रभाव, नहीं, जीरो पर, इन्फिनिटी पर। फिर इस टेस्ट चार्ज को वहाँ से लेकर चलो, बहुत स्लोली लेकर चलना है, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल कर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है उठा कर लाकर रख दो, वर्क हुआ नोट करो कितना वर्क हुआ, और उसमें हमारा टेस्ट चार्ज कितने कूलॉम का है डिवाइड कर दो, उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकल जाता है ऐसे, क्लियर है। तुमको जो समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ देखो वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, तो बहुत स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो यार, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि मान लो दो चार्ज है Q1 Q2, समझ में आ रही है, और मान लो पॉइंट यहाँ है, इस Q1 चार्ज के कारण वहाँ पर पोटेंशियल V1, इस Q2 चार्ज के कारण उस पॉइंट P पर पोटेंशियल V2, तो उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, हम कह रहे नेट पोटेंशियल होगा V = V1 + V2। चूंकि V1 और V2 जो है डायरेक्शन लेस है, तो वेक्टर वाले नियम कानून नहीं कि पैरेललोग्राम में जाना पड़ेगा, डायगोनल मिलाना पड़ेगा, कुछ नहीं। यदि हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है कि हर अलग अलग उस इंडिविजुअल चार्ज के कारण उस पॉइंट पर आप पोटेंशियल V1, V2, V3 वगैरह निकाल लीजिए, और जब नेट पोटेंशियल निकालना होगा तो एल्जेब्रिकल सम कर दीजिए, क्लियर, स्केलर क्वांटिटी है। यदि हमसे किसी ने पूछा कि इसका SI यूनिट क्या होगा, तो हम कहेंगे वर्क का तो जूल होता है, चार्ज का कूलॉम होता है, तो ये हो गया जूल पर कूलॉम, या इसी को वोल्ट कहते हैं, भी से दिखाते हैं, क्लियर। अब यदि हमसे किसी ने जो है पोटेंशियल का डायमेंशन पूछ दिया कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, क्लियर, कहाँ से दिखाया जाए, तो समझो यानी V बराबर में क्या होता है W बाई Q नॉट। देखो जैसे कि यहाँ पर
इन्फिनिटी ए दिखाए हैं, इन्फिनिटी से चलकर वर्क। यदि हम सिंपल कभी डब्ल्यू भी दिखा रहे वर्क के लिए, तो समझ जाना कि ए वर्क जो है टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क आया उसको दिखा रहा है। तो वर्क का ए डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस टू, चार्ज का ए टी है ना, ए के जगह पर कैपिटल आई भी हम यूज करते हैं। तो ए हो गया एम एल टू, ऊपर गया तो टी माइनस वन, ए माइनस वन, ये ऊपर गया ए माइनस वन, तो लो भाई डायमेंशन भी निकल गया। क्लियर है, ये चीज हो गया। अब एक बात तुमको समझना पड़ेगा, जो समझाना चाहते उसको ध्यान समझो। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर, हम लेकर चल रहे इधर, ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है। हम जैसे जैसे टेस्ट चार्ज को इधर की ओर मूव करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स उतनी ही बढ़ाया है, जैसे कि हर पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो रहे। मतलब बहुत स्पष्ट है कि हमारा टेस्ट चार्ज एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, बहुत स्पष्ट। और चूंकि हम एक्सटर्नल फोर्स उतनी ही लगा रहे हैं, उतनी ही लगा रहे हैं जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हम एक्सटर्नल फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इधर टेस्ट ऐसे इधर बढ़ने पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू भी बढ़ाते चल रहे हैं, उतनी ही बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, समझो हम क्या बोल रहे हैं, किस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से चलकर ए तक ले जाने में जो वर्क होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, उतनी ही वर्क एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा भी होगा, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, बस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है, हाँ, एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, अगर तुम कंजर्वेटिव नेचर के हो तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स उतनी ही लग रहा है, उतनी ही अमाउंट में लग रहा है, उसी डायरेक्शन में जस्ट डायरेक्शन को जस्ट अपोज करते हुए लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होगा, होना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब इस टेस्ट चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से ए पर ले जाएं और पुनः ए से इन्फिनिटी पर ले जाएं, चाहे सेम पथ से चाहे अलग अलग पथ से, वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। किन के द्वारा? इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। क्यों होगा? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम कह लें क्या कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा भी राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होना चाहिए, क्योंकि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, हम उतनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स का डिमांड है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो वर्क डन जो तुम देख रहे हो ना, एक्चुअली ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क होना चाहिए। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा इन्फिनिटी से ए तक ले जाने में, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क भी वही होगा, केवल प्लस माइनस का केवल अंतर रहेगा, वर्क उतना ही होना है। तो अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो स्वाभाविक है कि राउंड ट्रिप में जो वर्क डन है हमारा जीरो होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क है वो भी राउंड ट्रिप में जीरो ही होगा, पथ पे डिपेंड नहीं करेगा जी। समझ लो, जैसे हमने बोला कि इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से चल कर उस पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क होगा वही वर्क उस पॉइंट पर पोटेंशियल को बताएगा। तो हमने बोला कि ठीक है, जब मूव कराना है तो हम ऐसे मूव कराएं, सीधे मूव कराएं कि ऐसे पॉइंट ए पर ले जाएं कि पॉइंट ए पर ऐसे ले जाएं। हम करें कोई बात नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है ये नहीं। लेकिन हमने बोला कि चूंकि उतनी ही फोर्स हमने भी लगाया है, एकदम इक्वल मैग्नीट्यूड में लगाया है, तो अप्रॉक्सीमेट हमने ये भी मान लिया कि तुम भी कंजर्वेटिव फोर्स हो। इसलिए एक कोई मुद्दा नहीं है कि टेस्ट चार्ज को जब मूव कराना है तो क्या स्ट्रेट मूव करानी है ए पर ले जाना है, क्या ऐसे मूव करा के ए पर ले जाऊं, क्या ऐसे मूव करा के ए पर ले जाऊं। हमने बोला कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब वर्क डन जो है पथ डिपेंडेंट नहीं होगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करेगा। इतना तो ये भी समझ में आ रहा है कि आपको टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से चलकर उस पॉइंट पर मूव कराना है जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल चाहिए होता है। तो हमने बोला किसी भी रूट किसी भी पथ से आप मूव करा दीजिए। क्लियर है? यानी दिस वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पथ,
only depends upon the initial and final position. Initial position है आपका infinity और final position है जिस point पर आपको potential चाहिए हो. Clear है. चलिए एक कहानी हो गया. अब समझ में आ रहा है कि जिस point पर हमें potential चाहिए हमें करना क्या है कि कोई भी एक टेस्ट चार्ज लाइए. कथा कहता है 1 कूलम का होना चाहिए. अब हमने बोला कि नहीं, चाहे जितने कूलम का है कोई बात नहीं, उस टेस्ट चार्ज को पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाइए, फिर स्लोली 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 इनफाइनाइट से चलकर जिस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए हो उस पॉइंट पर ले जाकर पटक दीजिए. जो वर्क हुआ समझ जाइए कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा. तो जो वर्क हुआ उसमें हमारा टेस्ट चार्ज कितने कूलम का है डिवाइड कर दीजिए, उस पॉइंट पर पोटेंशियल की जानकारी हो जाता है. नेक्स्ट हेडिंग फॉर्मूला चाहिए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज. अभी पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग देख रहे हैं जब गॉस लॉ होगा तो अलग अलग चार्ज का सेट में भी हम लोग फील्ड पोटेंशियल देख लेंगे. चलिए पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, फॉर्मूला चाहिए. सपोज करो कि हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड क्यू है और इस चार्ज के अगल बगल रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है पी. इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? अब तो स्पष्ट है यार कि हर पॉइंट पर एक एनर्जी जुड़ा हुआ है और उसी एनर्जी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं. क्लियर? और पॉइंट जैसे जैसे पीक और इधर होता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ते जाता. हमें इस पॉइंट पर पॉइंट पी पर पोटेंशियल चाहिए तो क्या करना होगा? कोई एक चार्ज ढूंढ के लाना होगा. 1 कूलम का होता तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर हिसाब लगाना पड़ता है कि इतना कूलम के लिए वर्क कितना, 1 कूलम के लिए कितना. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं. तो कैसे अब निकालना होता है? तो पहले इस टेस्ट चार्ज को पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मतलब इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस. इनफाइनाइट कहने का मतलब पहले आप वहाँ रख दीजिए जहाँ इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो. ठीक है, अगर कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो हो सकता है 0.5 मीटर की दूरी ही जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस बन जाए. ये कन्फ्यूजन नहीं हो कि सोर्स चार्ज यहाँ है तो क्यों ना जो है चंदा मामा पर होगा, अमेरिका में होगा, लंदन में होगा. नहीं भाई, अभी यहाँ पर इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0. तो फोर्स भी 0. अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा. अब जैसा कि हमने बताया कि इसको स्लोली 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 लेकर चलना है, तो जैसे जब तुम इसको लेकर चलोगे तो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा एंट्री होते जा रहा है. सपोज करो कि हम आ चुके हैं पॉइंट ए पर, हमारा टेस्ट चार्ज यहाँ आ चुका है, क्यों ना थे? ठीक है, यानी ये हमारा टेस्ट चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है. अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में आया है तो फोर्स तो लगेगा. मान लिया जाए कि इस पॉइंट पर जब टेस्ट चार्ज आया तो इस पर फोर्स लगा कितना? एफ. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स है. ठीक है, हमें वर्क जो चाहिए एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क चाहिए. हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क जो होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क भी वही होगा. अब समझ लो बात को. तो लगा फोर्स क्योंकि ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल तो करेगा. अब सपोज करो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी है? एक्स. मान लिया अरे भाई ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है तो स्वाभाविक है कि इनके बीच का कोई ना कोई तो डिस्टेंस रहा होगा. ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रभाव क्षेत्र में आ चुका है. तो जब प्रभाव क्षेत्र में आ गया है
तो पक्का है कि दोनों के बीच का एक सर्टेन डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहा होगा, हमने मान लिया एक्स। अगर हम कहें कि तुम मेरे प्रभाव क्षेत्र में हो, इसका मतलब मुझे पता है कि तुम कहाँ हो और तुम मुझसे कितने के डिस्टेंस पे हो, कहाँ सही होगा। हम कह रहे हैं कि टेस्ट चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव क्षेत्र में आ गया है, इसका मतलब है कि इनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए हम लोगों को, तो हमें मान लें कि एक्स है। तो इस पर फोर्स कितना लगा, अगर हम जानना चाहें कि अभी जब हमारा टेस्ट चार्ज एक्स के डिस्टेंस पे है तभी फोर्स कितना लग रहा है, तो हम कह रहे हैं कि कूलम्स लॉ यूज कर लेते हैं। तो ये कहता है 1/4πε0qq0 दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन बाय उनके बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, तुम चाहो तो इसे के कह सकते, कह देंगे, हम भी कह देंगे आगे चलो। यहां पर है ठीक। अब हम इसको ए से चलकर बी तक ले गए, अभी तो रुके कहाँ हैं, अभी तो हम चल ही रहे थे रास्ते में, अभी रुके नहीं है, अभी एट ए टाइम रास्ते में भी पॉइंट ए पर थे, अब यहाँ से चलकर बी पर गए और ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज है ऐसा मान कर चल रहे हैं, दोनों पॉइंट बहुत क्लोज हैं ऐसा मान के चल रहे हैं और माना कि इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है और उस स्मॉल डिस्टेंस को हम दिखा रहे हैं डी एक्स से। ये दोनों पॉइंट काफ़ी क्लोज, पॉइंट ए तो पॉइंट बी काफ़ी क्लोज, जितना क्लोज समझ सकते हो समझ लो, उतने क्लोज की हम बात कर रहे हैं ठीक है। तो बहुत क्लोज है ये दोनों पॉइंट, माना इनके बीच का डिस्टेंस कितना है dx। तो अगर हम कहें कि टेस्ट चार्ज को ए से चलकर बी तक, यानी वर्कडन बाई टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, क्या होगा अगर उस वर्कडन को अगर हम डी डब्ल्यू कह दें, स्मॉल वर्क, अरे डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, स्मॉल वर्क होगा एक्चुअली। डी डब्ल्यू क्या है, वर्कडन फ्रॉम बी टू ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? हमें वर्क कौन सा निकालना है, इन्फिनिटी से चलकर पी पर। एक्चुअली जरा इस बात को समझना, हमें चाहिए पॉइंट पी पर पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला, या पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या है वो, तो हमें टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पर मूव कराना होगा, इन्फिनिटी से पी पर मूव कराना होगा और जो वर्क आया उसको नोट करना होगा और उसमें हमारा टेस्ट चार्ज कितने कूलम का है डिवाइड कर देंगे, पॉइंट पी पर पोटेंशियल पता चल जाएगा। यही होगा, यही नियम होता है। के नॉट का टर्म नीचे आने का मतलब है कि 1 कूलम को इन्फिनिटी से पी पर मूव कराने में जो वर्क आया वही उस पॉइंट पर पोटेंशियल है। ऑलरेडी अगर हमारा ये 1 कूलम का होता तो आपको डिवाइड करने का ज़रूरत भी नहीं था जी, इसीलिए तो हमने बोला किसी पॉइंट पर पोटेंशियल मतलब क्या है, वर्क डन बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर? तो पहले हम इसको निकालना चाह रहे हैं ठीक। कैसे निकलेगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, तो हमने बोला कि भाई क्या सीधे वर्क के लिए फॉर्मूला लगा दूं क्या कि ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हम कहे नहीं, ये फॉर्मूला तब लगता है जब बॉडी पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो, याद आ रहा है 11 क्लास में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे तुम टेस्ट चार्ज को इधर की ओर मूव कराओगे इस पर फोर्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है, तुम अपना एक्सटर्नल फोर्स भी बढ़ा रहे होगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम तो कह रहे हैं ना कि भाई एक्सटर्नल फोर्स के, एक्चुअली तो ये जो वर्क है ना वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क होना चाहिए। तो हमने बोला कोई बात नहीं, यहाँ पर एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिकल दोनों सेम है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा ही वर्क निकाल लिया जाए। तो हम कह रहे वेरिएबल फोर्स है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि तुम जैसे जैसे इधर को लेकर चल रहे हो फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तब उस केस में जब किसी बॉडी पर वेरिएबल फोर्स काम करता हो तुमको याद आ रहा हो वर्क डन कैसे निकालते थे, तो पूरे पथ को छोटे 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 इंटरवल में बांट देते थे। ऐसा करने से होता क्या था कि हर इंटरवल में फोर्स लगभग कांस्टेंट ऐसा मान सकते, क्योंकि हमने आपको बताया कि दोनों पॉइंट काफ़ी क्लोज हैं,
इसमें कोई डाउट नहीं कि जब हम ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा होगा, लेकिन जब दोनों पॉइंट काफ़ी क्लोज हों तो ऐसा मान सकते हो कि हाँ इस इंटरवल में फोर्स अप्रॉक्सीमेट कॉन्स्टेंट रहा होगा। तो जहाँ वेरिएबल फोर्स काम करता हम लोग यही काम किए हैं कि पूरे पथ को छोटे छोटे इंटरवल में बांट दीजिए। अब ऐसा करने से हुआ कि हर इंटरवल में जो फोर्स है लगभग कांस्टेंट है ऐसा मान सकते हैं, उस एक इंटरवल का वर्क डन निकाल लीजिए, प्रॉपर इंटीग्रेशन का यूज करके, प्रॉपर लिमिट का यूज करके टोटल वर्क डन हम लोग निकाल लेते हैं। 11th में हमने ये सब चीज़ सीखा हुआ है, ठीक है। तो छोटे छोटे इंटरवल में पूरे पथ को बांटने की बात थी, हमने उसी एक इंटरवल को हमने यहाँ पर आपको दिखा दी है। ऐसा मान सकते हैं कि हाँ अब इस इंटरवल में फोर्स लगभग कांस्टेंट है, तो जब लगभग कांस्टेंट है तो इस इंटरवल के लिए अब वर्क के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, तो हम कहेंगे फोर्स इंटू डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाया है, डी एक्स दिखाया। आप टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले गए तो कितना बॉडी डिस्प्लेस हुआ, डी एक्स, क्लियर है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एफ डी एक्स कॉस 180। अरे यार फोर्स उधर, तुम टेस्ट चार्ज को इधर मूव करा रहे हो, सोचो टेस्ट चार्ज फोर्स इधर और हम मूव करा रहे हो उधर, तो एस डिस्प्लेसमेंट उधर हो गया, फोर्स इधर हो गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 cos 180 माइनस 1 होता है। ये कितना होता है, माइनस 1, ये कितना हो गया माइनस एफ डी एक्स, और माइनस एफ 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 ये क्या है, 1/4πε0 q0/x2। ये माइनस एफ के जगह पर ए वाला वैल्यू उठ कर आ गया, ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा तो इसको तुम के कर देना, चलो अगले पल कर भी देंगे, और ए वाला डी एक्स अभी अपने जगह पर बना हुआ है। तुम चाहो ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको माइनस माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ए वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इसी वर्क डन को हमने डी डब्ल्यू भी कहा। हमें टोटल वर्क चाहिए यार, तुम कौन सा वर्क निकाल दियो, तुम टेस्ट चार्ज को ए से बी तक मूव कराने वाला वर्क निकाल दियो, हमें कौन सा वर्क चाहिए, इन्फिनिटी टू पी वाला वर्क चाहिए, इन्फिनिटी टू पी वाला वर्क चाहिए। चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर, ठीक है मिटाओ। चलिए ए देखिए, 10 टोटल वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इतना लिखने के बाद, यानी हम टोटल वर्क डन निकालने जा रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी वाला। तो हमने बोला कि भाई दोनों तरफ इंटीग्रेशन दे देते हैं, देखो यहाँ है डी डब्ल्यू, ठीक है, देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स डी डब्ल्यू, ओके। हमने कहा दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, और यहाँ पर वेरिएबल कौन है, तो जो डी के साथ अटैच है। अब कैसे लिमिट लेना है जरा उसको ध्यान से समझना, वेरिएबल कौन है, तो हमने बोला डी के साथ जो अटैच है, कौन अटैच है, एक्स। एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, समझो। वेरिएबल कौन है, एक्स। एक्स मतलब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक। तो आप टेस्ट चार्ज को यहाँ से लेकर चले थे, आपको जाना है यहाँ पर, जब सोर्स जब हमारा टेस्ट चार्ज यहाँ पर था तो x कितना होता, इन्फिनिटी होता। x मतलब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, x कितना होता है, इन्फिनिटी। और जैसे भी इस टेस्ट चार्ज को लाकर पॉइंट P पर रख देंगे, ये पॉइंट P पर लाकर रख देंगे, तो वही x कितना हो जाता, x मतलब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस x कितना हो जाता, हम कह रहे हैं r के बराबर में, यानी इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर तक जितने भी छोटे 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 स्मॉल इंटरवल थे जिसका वर्क हमने अलग अलग निकाला हुआ था,
हमने उसको इंटीग्रेट कर दी, मतलब जोड़ दी। ए है एक इंटरवल का वर्क और ये पूरा पथ छोटे छोटे इंटरवल से मिलकर बना हुआ है। और बढ़िया, तो हम कह रहे हैं कि इन्फिनिटी से आर तक जितने भी छोटे छोटे इंटरवल थे जिसमें हमने हर इंटरवल में वर्क अलग अलग निकाला है, हम उसको इंटीग्रेट कर दिए, हम उसको जोड़ दिए। बहुत स्पष्ट है ये सॉल्व होकर जो वर्क देगा वो इन्फिनिटी टू पी वाला वर्क होगा। समझ हो? मेन मुद्दा यहाँ ये भी है कि हमने लोअर लिमिट के रूप में इन्फिनिटी कैसे ली, अपर लिमिट के रूप में आर कैसे ली। लोअर लिमिट जहाँ से चले थे, अपर लिमिट जो हमारी मंजिल है, चले कहाँ थे, यहाँ से हमारी मंजिल कहाँ है, पॉइंट पी है। समझ में आ रही है बात? तो जब हम चले थे तो एक्स का वैल्यू था इन्फिनिटी, और जब हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं तो वही एक्स हमारा यानी सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस एक्स कितना हो गया, आर हो गया था। बस खेल खत्म। अब तो गणित का यूज करना है, अब तो हमें यहाँ पर सिंपल गणित का यूज करना है। चलिए तो आइए गणित की ओर बढ़े। यहाँ पर के दिस सब कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंट क्यू कॉन्स्टेंट क्यू नॉट कॉन्स्टेंट एक कॉन्स्टेंट हम बाहर निकला, इंटीग्रेशन निकलेगा 1/x² का। क्लियर है? और ऐसा मान के चल रहे हैं dw मतलब dw का इंटीग्रेशन dw का इंटीग्रेशन w, अरे w मतलब कौन सा w, अरे इन्फिनिटी से p वाला सिंबल में क्या रखा है यार। dw का इंटीग्रेशन तो w होगा, अगर सिंपल w भी कह रहे हो कि कौन सा w है। वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू p वाला है। देखो चाहो तुम केवल w को ही लेके चलो, चाहे इसको लेके चलो, एक ही चीज़ है, ये मुद्दा नहीं। माइनस के क्यू क्यू नॉट 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। ओके, चूंकि लिमिट का काम हुआ है नहीं इसलिए रखा हुआ है। अब लिमिट कैसे पुट करते हो भाई, अब लिमिट कैसे पुट करते हैं? चलो अब दिस पहले अपर लिमिट साइन बदल कर लोअर लिमिट 1/∞ 0 -- प्लस, यानी वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी ए हो गया है -- प्लस, यानी हो गया के क्यू क्यू नॉट बाय आर। क्लियर? यानी इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से चलकर पी तक ले जाने में वर्क हुआ है इतना। अरे हमें क्या चाहिए, पॉइंट पी पर पोटेंशियल चाहिए। तो हम कहे पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो जो वर्क आया है इन्फिनिटी से पी उसमें टेस्ट चार्ज कितने कूलम का है डिवाइड कर दो, पॉइंट पी पर पोटेंशियल वही होगा। पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क हुआ वही वर्क उस पॉइंट पर पोटेंशियल बताता है। मिटाओ इस रिजल्ट को, हमने घेर दी है क्योंकि यहाँ से कुछ बातें मेरे को सिखानी है। इसलिए ज़रा आप बताएं कि इसलिए पॉइंट पी पर पोटेंशियल फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वी कैन से दैट जो वर्क आया उसमें टेस्ट चार्ज को डिवाइड करनी है। वर्क आया दिस के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ये क्यू नॉट बना हुआ है, मर गया ये। यानी बहुत स्पष्ट है कि पॉइंट पी पर पोटेंशियल आ रहा है क्या, के क्यू बाई आर पी 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 पी। ये पॉइंट पी ही नहीं हो सकता है, पॉइंट कभी ए भी हो सकता है, कभी बी भी हो सकता है, चाहो तो सिंपल। इसलिए हम लोग पोटेंशियल को दिखाना तो भी पी ना बोल के केवल भी बोल देते, लेकिन पूरा फिगर के हिसाब से समझाना था इसलिए हमने भी पी यहाँ पर कह दी। पोटेंशियल को सिंपल हम कैसे दिखाएंगे, भी से। क्लियर है? जो सीखने की बात ये है, मेरा फॉर्मूला आ चुका है, समझो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो हमसे कोई बोला कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जरा बताओ आर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हमने पहले सीखा के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउट बाढ़ डायरेक्शन की। तो कोई बोला कि जरा बताओ तो भाई इसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो हमने बोला के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर इस पॉइंट पर फील्ड इतना,
और उसी पॉइंट पर पड़े के क्यू बाई आर, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर। एनीवे, हम पोटेंशियल को एनालाइज करने जा रहे हैं। फॉर्मूला आ चुका है, स्वाभाविक है कि क्यू का टर्म न्यूमरेटर में है, क्यू जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब इस चार्ज का, इस चार्ज हमारा जितना ज़्यादा वेटेड होता जाएगा, मतलब ये चार्ज हमारा जितना ज़्यादा कूलम का होता जाएगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पहला से तो यही मिल रहा है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल निगेटिव होगा। अब जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जब प्रॉब्लम बनाते थे तो होता था कि भाई चार्ज अगर पॉजिटिव है तो हम, चार्ज अगर निगेटिव है तो भी हम प्रॉब्लम में उसको प्लस रख देते थे, अब बोलते थे कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड जानना है। लेकिन आज यहाँ परेशानी कर सकते हो जब पोटेंशियल का प्रॉब्लम से बनाने लगोगे, चार्ज अगर तुम्हारा नेगेटिव होगा तो क्यू तुमको माइनस में लेकर चलना ही पड़ेगा, इस बात को नोट कर लो। इसलिए बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही बात ना? पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल भी निगेटिव होता है। समझ जाना इस बात को। साथ में आर का टर्म डेनोमिनेटर में है, आर बढ़ेगा तो भी घटेगा, इसका मतलब पॉइंट पी जब यहाँ है तो पोटेंशियल कुछ, जब यहाँ होता तो पोटेंशियल और कम, जब यहाँ होता तो पोटेंशियल और कम हो जाता, जब यहाँ होता पॉइंट पी तो पोटेंशियल और, मतलब हमारा पॉइंट पी जैसे जैसे चार्ज से दूर होता जाएगा आर का मान बढ़ता जाएगा, इस मतलब साफ है कि पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको ये भी नोट करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, मतलब हमारा डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा। समझ में आ रही? मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि आर का वैल्यू बढ़े तो वी का वैल्यू घटे, और अगर ये बढ़ते 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 अगर मान लो ये पॉइंट पी अगर इन्फिनिटी पर आ जाता तो पोटेंशियल क्या होगा, यानी अगर आर इन्फिनिटी हो के क्यू बाई इन्फिनिटी यानी वी का मान तो जीरो हो जाएगा। बहुत स्पष्ट है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, जवाब क्या दोगे? इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? तो जीरो। क्यों जीरो? फॉर्मूला देख लो, आर के जगह पर रख लो इन्फिनिटी, के क्यू बाई इन्फिनिटी होकर जीरो। या तुम वैसे भी सोचो, इनफाइनाइट पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? तो टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर उसी पॉइंट पर मूव कराया, अरे कोई मूव ही नहीं कराया, इसका मतलब वर्क डन जीरो हो गया। इसका मतलब है जब वर्क डन जीरो हो गया तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। इसलिए याद रखना चाहिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट पर कितना होता है? जीरो। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, पॉइंट जैसे जैसे हम दूर करते चलेंगे पोटेंशियल जो है घटता चलेगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, जबकि निगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल भी निगेटिव होगा। क्लियर? चलिए, तो आज हम एक और निष्कर्ष आपको पहुंचाएं, जरा ध्यान देना। ए ए एक यहीं पर आपको जानकारी देते चलो, केयर करो। एक चार्ज है क्यू, आर के डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, एक हमारा टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट, कहाँ था? इन्फिनिटी पर। तुम इसको लेकर चले, अब समझ में आ रहा है, सीधे चलो, इस रूट से चलो, उस रूट से चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तुम इसको इन्फिनिटी से पी पर पहुंचा दिए, कितना वर्क हुआ? यही बोले हो, यही बोले हो, इन्फिनिटी से पी तक, इन्फिनिटी से पी तक इसको उठा के यहाँ ले आए, ए टेस्ट चार्ज मेरा यहाँ आ चुका। हम लेकर चले थे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, एक्सटर्नल फोर्स उधर, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लेकर चले इन्फिनिटी से पी तक, और वर्क हमने करा। अब देखना, एक रिजल्ट और हम यहाँ से निकाल देंगे, वर्क हमने करा इतना। स्पष्ट है? टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पर लेकर गए, हमने 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 वर्क किया इतना जूल, इसका मतलब हमने इतना जूल एनर्जी खर्च किया, टेस्ट चार्ज यहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है।
हमने इतना जूल एनर्जी खर्च किया, एनर्जी क्या कहाँ, तो हमने बोला चाय का कहाँ, सिस्टम ने रख ली अपने पास, सिस्टम ने उस एनर्जी को स्टोर कर ली, और स्टोर्ड एनर्जी क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई हम कहें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यार, तो हम कहें कि जितना वर्क हुआ होगा। इस टेस्ट चार्ज को इसको यहाँ से पी तक लाने में जो वर्क हुआ सिस्टम, ये देखो ये सिस्टम ये दो चार्ज मिलकर सिस्टम ने उस एनर्जी को स्टोर कर लिया, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी हो जाएगा क्या, के क्यू क्यू नॉट बाई आर। जो वर्क हुआ वही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बन गया। तो एक जनरल रिजल्ट क्यों न कहें कि अगर हम इस चार्ज को, इस जैसे चार्ज है इसको हम सिंपल Q1 कह देते, एक Q0 है, तो हम कह रहे यार बढ़िया होगा तुमको Q2 नाम दे दूँ, तुम्हारे बीच का डिस्टेंस चलो आ रही है। तो हम एक जनरल रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। हमसे कोई बोला कि दो चार्ज है Q1 Q2 मैग्नीट्यूड का, उनके बीच का सेपरेशन R है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो हम कहें के Q Q0 दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन। तो हमने बोला ठीक है Q1 Q2 बाई आर, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस, हम कहें ठीक है यहाँ भी आ रही है, ये भी बन गया एक फॉर्मूला। याद रहे समझो हम क्या बोल रहे हैं, कोई दो चार्ज हो एक Q1 मैग्नीट्यूड का एक Q2 मैग्नीट्यूड का, उनके बीच का सेपरेशन आर हो, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर। क्लियर? तो तुमको एक समरी कार्ड हम दे देते हैं, अब तक इसको नोट कर लेना है, काम होगा ये सब क्वेश्चन बनाने में, इसको यूज करेंगे। अगला वीडियो जो है ना स्पेशल न्यूमेरिकल स्पेशल होगा, जिसमें हम NCERT के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ में SC वर्मा के भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। अब तक जो पढ़े, अब तक जो सीख पाए, उसका कंक्लूजन। मान लो दो चार्ज है Q1 Q2, सपोज करो इनके बीच का सेपरेशन कितना है R, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव, वो होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो के Q1 Q2 बाई आर, कन्फ्यूज मत होना, यहाँ आर स्क्वायर यहाँ आर है, ये हो गया। अब सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर के डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, तो हमने बोला इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी सीख चुके हैं पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी पी पर जो है पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे फॉर्मूला आ रहा है के क्यू बाई आर। अब देखो ना के क्यू आर स्क्वायर आर, यहाँ देखो सेम आर स्क्वायर आर, तो बड़ा संभल के फार्मूला लगाना, अब तुम लोग मैच्योर हो गए हो, इतना भी समझ में तो आ ही रहा होगा, लेकिन हम तुमको बता दें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल के लिए के क्यू बाई आर हो गया। ये दोनों के बीच अगर हमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी होती तो के क्यू और क्यू टू, यहाँ भी वही चीज़ आर स्क्वायर, तो यहाँ आर आ रहा है। ठीक है, तो अगला जो वीडियो हम लोग जो देखेंगे उसमें पहले NCERT की कुछ प्रॉब्लम, साथ में SC वर्मा के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं तुमको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, थ्योरी के कॉन्सेप्ट को अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा तो यकीन मानिए अगला वीडियो जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं बहुत सरल बहुत आसान दिखने वाला है। क्लियर? तो आज यहीं पर हम लोग रुकेंगे, बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में होनी है, तब तक तुम पढ़ते रहो और मस्त मुस्कुराते रहो।